वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना और जिससे कि आपको कुछ समझ में आ सके। और दोस्तों मेन चीज़ इसमें क्या होता है मसला कि ये हमारा काला इंजन, मतलब जो हमारा इंजन है काला धुआं देने लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों होता क्या है कि हमारा इंजन धुआं देता ही क्यों है, तो ये धुआं बनता कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये धुआं कहाँ से बनता है, ये धुआं जो होता है हमारा जो डीजल और एयर का मिक्सचर होता है, ये कभी कभी किसी कारणवश ये सही शॉट जल नहीं पाता, तो कुछ तेल जलता है और कुछ तेल हमारा बाहर निकल आता है। तो यही होता है जो हमारा धुआं देने लगता है इंजन। पर मेन समस्या ये है कि अब ये धुआं बनता, मतलब इसके देने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यही बता दूं, देखिए दोस्तों जब जैसे कंप्रेसर बना और कंप्रेसर जैसे ही बनता है तो उसमें आग लगती है डीजल में, और जैसे ही डीजल जल आग लगती है तो पिस्टन आता है नीचे को। जैसे पिस्टन नीचे आया तो कुछ डीजल हमारा जलता है, कुछ बाहर निकल जाता है। तो वो जो धुआं होता है वो किस कारण से होता है, तो मेन चीज़ हो सकता है हमारी, पहले मेन चीज़ हमें क्या चेक करना है, पहले तो हमारा जो ऊपर से हम, मैं आपको बताता हूँ ऊपर से नीचे तक को पूरी जानकारी देता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा इनलेट और आउटलेट वाल होती है उनकी सेटिंग करनी होती है। अगर उनकी सेटिंग ख़राब होगी तो क्या होगा, कभी कभी एयर कम पाता है, डीजल ज़्यादा ज़्यादा जाता है, और कभी कभी क्या होता है डीजल ज़्यादा जाता है और एयर हमारा कम जाता है। तो मेन चीज़ एक कमियां तो ये हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमारा आता है सिलेंडर। तो क्या होता है जो कभी कभी रिंगे हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो रिंगे जब ख़राब हो जाती हैं तब हमारा इंजन काला धुआं देने लगता है। और जैसे हम मान लो रिंगे भी अगर ठीक हैं तो क्या होता है कभी कभी पिस्टन भी हमारा ख़राब हो जाता है। पिस्टन के क्या ख़राब हो जाता है, पिस्टन के जो पिस्टन की रिंगों का ग्रुप होता है ना जिसमें पिस्टन रिंग फंसती हैं, वो रिंगे ख़राब हो जाती हैं, इसी के चलते हो जाता है ऐसा। और अगर इतने करने के बाद अगर ये दोनों सही हैं और फिर भी धुआं दे रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ इस पर क्या करना चाहिए। तो इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए इंजन हमारा लोड ज़्यादा ना तो नहीं ले रहा, मतलब जैसे हमारा इंजन जितना लोड देना चाहिए उससे ज़्यादा तो लोड नहीं है इंजन में। अगर उससे ज़्यादा लोड इंजन में पड़ रहा है तो धुआं देना वाजिब है भाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड है। तो एक तो ये भी हो गया। अब देखो क्या होता है, कभी कभी पंखे की बैरिंग वगैरह टूट जाती हैं तो इंजन को ज़्यादा लोड पड़ने लगता है और इंजन हमारा धुआं देने लगता है। अब ये तो हो गया। अब मेन चीज़ दोस्तों क्या होता है, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें समस्या 99% कहाँ से आती है। तो दोस्तों यही मैं आपको बता दूं मेन चीज़ क्या करना है आपको, अगर ये सब सिस्टम हमारा जितना मैंने अभी तक बताया आपको, ये सब सिस्टम सही होने के बाद भी अगर धुआं दे रहा है तो क्या करना चाहिए हमें, इसके बाद हमें नोजल को चेक करना चाहिए, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है उसको चेक करना होता है। वो क्या होता है, कभी कभी तेल आगे पीछे दे देता है। जब फ्यूल इंजेक्टर हमारा जाम होने लगता है तो क्या होता है, तेल मतलब जिस टाइमिंग में देना चाहिए तेल वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इसी के चलते हो जाता है कभी कभी हमारा तेल देना और धुआं देना चालू हो जाता है। और दोस्तों इतना अगर फ्यूल इंजेक्टर भी सही है तो फिर क्या करना चाहिए, फ्यूल इंजेक्टर अगर सही है तो पंप की ठोकर को देखना है। पंप की ठोकर अगर हमारी ज़्यादा होगी, यानी जितना मैंने सेटिंग आप सब लोगों को बताई है उससे थोड़ा सा एक पंप दोस्त मतलब दो चार सिम वगैरह ये चलता है, पर क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा पंप की ठोकर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जब पंप की ठोकर हो जाए तब आपको पंप की ठोकर चेक कर लेना है। अब ये सब सिस्टम सही होने के बाद भी अगर हमारा इंजन स्टार्ट मतलब धुआं देना नहीं बंद कर रहा, तो अब यहाँ से दोस्तों मसला आता है, सब कोई नहीं समझ पाता कि ये अब यहाँ से कहाँ से मसला आ रहा है। तो अगर इतना सब ठीक होने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी आता है फ़ोन आते हैं और कहते हैं कि भैया हमने सब कुछ नया करके देख लिया, मैंने लाइनर भी डाल दिया, पिस्टन भी डाल दिया, रिंग भी डाल दिए, मतलब हेड का काम भी करवाया, पंप भी नया है, प्लंजर भी नया है, फिर भी धुआं नहीं दे बंद होता है। आप हम सब कुछ करवा लेते हैं पर मेन चीज़ जो करवाना होता है उस कमी को हम देखते ही नहीं हैं। तो इंजन की मेन सबसे बहुत बड़ी कमी होती है, इंजन जब हमारा बिना मोबाइल के चल जाता है या मोबाइल धीरे धीरे जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो इंजन का क्रंक जो है वो हल्का हल्का ख़राब होने लगता है। और जब हमारा इंजन क्रंक ख़राब हो जाता है तो ये समस्या फिर आना ही आना है। और मतलब 100% फिर आप चाहे रिंगे डालिए, पिस्टन डालिए, कुछ भी XYZ डालिए, इसके बाद अगर क्रंक ख़राब है तो आपका इंजन धुआं देना बंद नहीं करेगा।
तो ये तो हो गया दोस्तों ये। अब इसके बाद क्या होता है कि अब जो क्रंक भी ठीक करवा लिया है, और इसके बाद भी धुआं अगर नहीं बंद हो रहा तो क्या होता है, कनेक्टिंग का जो बुश होता है ना दोस्तों, उसको एक बार चेक कर लेना है। और ये सब करने के बाद भी अगर धुआं नहीं बंद हो रहा तो हमें क्या करना है, जो क्रंक की दोनों को बैरिंगें होती हैं उनको अच्छे से चेक कर लेना, वो ज़्यादा ख़राब ना होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी तो फिर ये समस्या।